सेवा 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 जोहार। मेरा नाम राजा राजन राज तिलक ध्रुवे हैं। साथियों, आज हम हमारे पूर्वज, हमारे वरिष्ठ आदरणीय तिरुमाल मारुति उइके जी की एक कविता का वाचन करेंगे, कविता पढ़ेंगे। ये बहुत पहले इनसे पहले इनके बारे में बताना चाहूँगा, ये बहुत ऊर्जावान लेखक हैं, कवि हैं। इनकी कविताएं बहुत शानदार रहती हैं और बहुत ऊर्जा से भर देते हैं युवाओं को। आज की वर्तमान नौजवानों में, युवा पीढ़ियों में इनके मार्गदर्शन की काफ़ी इनकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, इनकी मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, यह देश कोई दूरों के बाप का है, जो कि जंगम प्रकाशन से रहा है। काफ़ी अच्छी किताब है, आप सभी इस बुक को जरूर पढ़िएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं इनकी चंद लाइनों से, जो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। इनका शीर्षक है, मौसम बदलना चाहिए। शीर्षक ध्यान से समझिएगा, ये बहुत गहरी बात है। इन्होंने बहुत गहरी बात लिखी है अपनी कविता में कि मौसम बदलना चाहिए, अंधेरे को चीर कर अब नया सूरज निकलना चाहिए, चाहे हो ना हो कुछ भी पर मौसम बदलना चाहिए। कैसे ढकोगे काले मन को, कैसे ढकोगे काले मन को, दर्पण सच बोलता है। वक्त ए तकाजे का अब यह लिबास बदलना चाहिए। मन में घुटन तेरा उदास चेहरा, साथियों ध्यान से समझिएगा इस पंक्तियों को, मन में घुटन तेरा उदास चेहरा और मरना जीना रोज का है, और मरना जीना रोज का है। जिन्होंने यह किस्मत लिखी उनका जनाजा निकलना चाहिए। छीन कर तेरी हक की रोटी सजाए हैं जो तकदीर खुद की, छीन कर तेरी हक की रोटी सजाए हैं जो तकदीर खुद की, ताजों तख्त पलट कर अब उनका खून निकलना चाहिए। हे गोंड तू कितने आंसू बहाए, हे गोंड तू कितने आंसू बहाए, तेरे आंसुओं से समंदर रोया, अब तेरी आंखों की आंसुओं के बदले अब तेरी आंखों के आंसुओं के बदले सोला उबलना चाहिए। तन की ठंड में मन की ठंड में जमीन आसमान का अंतर है सगा, तन की ठंड में मन की ठंड में जमीन आसमान का अंतर है सगा। तू खून इतना गर्म कर कि अब हिमालय पिघलना चाहिए, हो ना हो कुछ भी पर मौसम बदलना चाहिए। कैसे ढकोगे काले मन को, दर्पण सच बोलता है। वक्त ए तकाजे का अब यह लिबास बदलना चाहिए। मन में घुटन तेरा उदास चेहरा, साथियों ध्यान से समझिएगा इस पंक्तियों को, मन में घुटन तेरा उदास चेहरा और मरना जीना रोज का है, और मरना जीना रोज का है। जिन्होंने यह किस्मत लिखी उनका जनाजा निकलना चाहिए। छीन कर तेरी हक की रोटी सजाए हैं जो तकदीर खुद की, छीन कर तेरी हक की रोटी सजाए हैं जो तकदीर खुद की, ताजों तख्त पलट कर अब उनका खून निकलना चाहिए। हे गोंड तू कितने आंसू बहाए, तेरे आंसुओं से समंदर रोया, अब तेरी आंखों की आंसुओं के बदले अब तेरी आंखों के आंसुओं के बदले सोला उबलना चाहिए। तन की ठंड में मन की ठंड में जमीन आसमान का अंतर है सगा, तन की ठंड में मन की ठंड में जमीन आसमान का अंतर है सगा। तू खून इतना गर्म कर कि अब हिमालय पिघलना चाहिए। दादा हीरा मरकाम की बात क्या अब तक भेजे में घुसी नहीं, वे कहते हैं कि गैरों की राह पर अब चलने का रिवाज बदलना चाहिए। बातों के पर्वत खड़े करने से सिर्फ हंगामा खड़ा होता है पहाड़ी। गोंडवाना राज करना है तो सोचने का अंदाज बदलना चाहिए।
इन्हीं पंक्तियों में दो लाइन और जोड़ा गया है, साथियों बहुत सुन लिए हैं दूसरों की अब, बहुत सुन लिए हैं कि दूसरों की अब, यह सही और यह गलत, कि यह सही और यह गलत, आइए मिलकर साथ खड़े होते हैं, आइए मिलकर साथ खड़े होते हैं, यह देश बदलना चाहिए, यह देश बदलना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का इस कविता को सुनने के लिए। यह कविता मारुति विके जी के द्वारा लिखी गई, जिनका मैंने यहाँ पे केवल वाचन किया है। इसी बात के लिए मैं अपनी बात के लिए मैं विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। सेवा 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 जोहार।